हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अन्यूज्ड ब्रेन। आई होप यू ऑल आर वेल और बहुत अच्छे से आप लोग अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो आप ही के लिए मैंने आज से एक सीरीज शुरू करी है नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो कि आप लोगों को एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। मैं कुछ ही टॉप क्वेश्चंस आप लोगों को बताऊंगी जो कि रिपीट होते रहते हैं, राइट, जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो डू वॉच द सीरीज एंड कोई भी चैप्टर के क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में लिखें, तो मैं आपको, ठीक है, उसके ऊपर वीडियो बना के दूंगी जल्द से जल्द, क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा पास है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और मैंने जो चैप्टर लिया है वो है एनिमल किंगडम। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग है अगर आप इसको याद कर लोगे। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिफिक नेम्स हैं, उनके वर्नाक्युलर नेम्स हैं, तो इसीलिए ये चैप्टर अपने आप में ही एक अलग चीज रखता है, राइट, एक अलग लेवल रखता है आपकी बायोलॉजी में। ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ हॉर्स। ठीक है, तो इन चारों में से हमें हॉर्स का ऑर्डर बताना है। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर ये चैप्टर में, ठीक है, हमें कुछ नहीं आता है, ठीक है, कुछ हमें अगर बायोलॉजिकल टर्म्स पता हो उसके अलावा अगर हमें याद नहीं आ रहा है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि हमारा जो हॉर्स है उसका क्लास मैमेलिया है, राइट, कौन से फाइलम में आता है? ये कॉर्डेटा फाइलम में आता है। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इक्विस। अगर इसका साइंटिफिक नेम इक्विस है, क्लास मैमेलिया है, तो ऑर्डर क्या हो सकता है? इन चारों में से सबसे ज्यादा पास कौन है इक्विस के? इक्विडे, राइट, सो द करेक्ट ऑप्शन इज इक्विडे। ठीक है, इक्विडे हमारा यहाँ पे आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो है नीट 2017 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकॉर्डेट शेयर विद कॉर्डेट्स। एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बताना है जो हेमिकॉर्डेट शेयर करते हैं कॉर्डेट्स के साथ। हेमिकॉर्डेट्स को सबसे पहले कॉर्डेट्स के अंदर सब फाइलम के तौर पे रखा गया था, लेकिन फिर उसके बाद इनको एक अलग फाइलम दे दिया गया, राइट, फाइलम हेमिकॉर्डेटा। नीट 2017 में ये वाला क्वेश्चन आ रखा है और इसका आंसर है फैरिंग्स विद गिल्स लिप्स। क्योंकि दे हैव गिल्स, दे रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ गिल्स, इसमें बेलेनोग्लॉसस टंग फॉर्म्स आते हैं, राइट, तो करेक्ट ऑप्शन इज फैरिंग्स विद गिल्स लिप्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, इन केस ऑफ पॉलीफेरेंस द स्पॉन्जर सेल इज लाइंड विद फ्लेजिलेटेड सेल्स कॉल्ड। ये नीट 2017 का क्वेश्चन है अगेन। पॉलीफेरा, जिनकी बॉडी में बहुत सारे पोर्स होते हैं, जिनको स्पॉन्जर्स भी कहा जाता है, उनकी जो बॉडी कैविटी है उसको स्पॉन्जर सील कहते हैं। बॉडी कैविटी की इनसाइड लाइनिंग पे कुछ सेल्स लगे होते हैं, ठीक है, कौन से सेल्स हैं? क्वेश्चन बेसिकली ये है, राइट, तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑस्टिया, ऑस्टिया द एंटरिंग पोर्स, ऑस्किलोम एग्जिट पे जो लगे होते हैं, ये भी नहीं है। क्वानोसाइट्स, क्वानोसाइट्स आर द करेक्ट सेल्स, ठीक है, मेसेनकाइमल सेल्स, दे डू नॉट पार्ट, दे आर नॉट फ्लेजुलेटेड सेल्स, राइट, बट क्वानोसाइट्स आर फ्लेजुलेटेड सेल्स जो कि अंदर की तरफ लाइन करते हैं, ठीक है, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन एंड मेनी मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स इन स्पॉन्जर सील, ठीक है, सॉरी, इन पॉलीफेरा, राइट, सो द करेक्ट ऑप्शन इज क्वानोसाइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए अब कुछ और क्वेश्चन इसके डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज, विच अमंग दीज इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल्स। ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है, अगेन 2017 से काफी क्वेश्चन है एनिमल किंगडम के। ओके, तो बच्चों करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है एक्वेटिक मैमल्स का। दे ऑल आर एक्वेटिक, ऑप्शन देखिए सारे एक्वेटिक है, दे आर नॉट मैमल्स, राइट, बट ऑल आर नॉट मैमल्स, ठीक है, दे ऑल आर एक्वेटिक लेकिन सारे मैमल्स नहीं है, मैमल्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो पहला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे सील्स है, डॉल्फिन है, बट शार्क, शार्क मैमल नहीं है, ठीक है, शार्क पीसेस में आते हैं, डॉल्फिन, सील्स एंड ट्राइगन, ट्राइगन जो है वो पीसेस में आते हैं, फिशेज में आते हैं, ठीक है, स्टिंगरे, ये मैमल नहीं है। इसके बाद व्हेल्स, डॉल्फिन एंड सील्स, व्हेल भी मैमल है, डॉल्फिन भी मैमल है, सील्स भी मैमल में आता है, तो ये है हमारे एक्वेटिक मैमल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इस चारों में से, ठीक है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें अच्छे से आप 4 मार्क्स गेन कर सकते हो। 2016 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, ऑल मैमल्स आर विविपेरस, सारे मैमल्स विविपेरस होते हैं, ऐसा होता है? नहीं जी, कुछ मैमल दो भी पैरस भी होते हैं। तो जो भी लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो प्लीज कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के बताइए, अगर आप लोगों को आता है कि कौन सा एक मैमल है जो कि ओवी पैरस है, ठीक है,
अगर आप लोगों को नहीं आता तो मत लिखिएगा, जिन जिन लोगों को आता है यानी कि वो लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एग्जाम के लिए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कौन सा एक मामल है जो कि ओवी पेरिस है, राइट, फिर मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगी। नेक्स्ट है हमारा स्टेटमेंट, ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पॉजिटिव जॉज एंड पेयर्ड फिन्स। ठीक है, सारे साइक्लोस्टोम्स के पास जॉज नहीं होते, दे आर विदाउट जॉज, वी नो दैट। ठीक है, एंड पेयर्ड फिन्स, स्केल्स भी नहीं होते इनकी बॉडी पे, पेयर्ड फिन्स भी नहीं होते, ये भी करेक्ट है। तो कहीं ना कहीं ये वाली स्टेटमेंट थोड़ी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल रेप्टाइल्स हैव अ थ्री चेम्बर्ड हार्ट। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कौन सा रेप्टाइल है जिसका फोर चेम्बर्ड हार्ट होता है? तो सारे रेप्टाइल का थ्री चेम्बर्ड हार्ट नहीं होता, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। डी है हमारी, ऑल पीसेस हैव गिल्स कवर्ड बाय एन ऑपरक्यूलम। दो तरीके की फिशेस हमने पढ़ी है, ठीक है, कार्टिलेजनस फिशेस और बोनी फिशेस। तो कार्टिलेजनस फिशेस जो होती है, यहाँ पे गिल्स आर नॉट कवर्ड विद ऑपरक्यूलम, गिल्स लिप्स आर नॉट कवर्ड विद ऑपरक्यूलम, सॉरी गिल्स आर नॉट कवर्ड विद ऑपरक्यूलम और गिल्स लिप्स सेपरेट होते हैं इसके केस में अगर हम देखें तो। ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? ये सबसे ज्यादा करेक्ट यही है कि साइक्लोस्टोम्स जो है हमारे, इनके पास जॉज नहीं होते एंड पेयर्ड फिन्स नहीं होते। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल्स। इन चारों में से बर्ड्स और मैमल्स कौन सा कैरेक्टरिस्टिक शेयर नहीं करते, राइट? बहुत इजी क्वेश्चन है, नहीं 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रीदिंग यूजिंग लंग्स, ठीक है भाई, यूज करते हैं, शेयर करते हैं वाला कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट है विविपैरिटी। विविपैरिटी से कहीं ना कहीं आप समझ ही गए होंगे कि जो बर्ड्स हैं वो अंडे देते हैं, राइट, वो विविपैरस नहीं होते, वो बच्चे नहीं देते। सो विविपैरिटी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, हमें और देखने की नहीं जरूरत है क्योंकि वार्म ब्लडेड नेचर दोनों का होता है, ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन भी दोनों का होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में इन चारों में से कौन सा फीचर नहीं होता? चलो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट 2016 का, देखते हैं इसको। पहला है हमारा मेटामेरिक सेगमेंटेशन। आपने मेटामेरिक सेगमेंटेशन किस में सुनी है, कहाँ सुनी है मेटामेरिक सेगमेंटेशन? मेनली आपने ये एनालिडा में सुनी है, राइट, तो चलो ये अभी डाउट में है, ठीक है। अच्छा, इट इज नॉट प्रेजेंट इन फाइलम, नॉट बिल्कुल प्रेजेंट ही नहीं है, बट आर्थ्रोपोडा कहीं ना कहीं सेगमेंटेशन शो करते हैं, दे हैव सेगमेंटेशन। नेक्स्ट पैरापोडिया, पैरापोडिया भी आपने एनालिडा में ही सुना है, ये लेटरल अपेंडेजेस होते हैं जो कि हेल्प करते हैं नीरस को स्विम करने के लिए, ठीक है, पैरापोडिया बिल्कुल आर्थ्रोपोडा में नहीं होते। जॉइंटेड अपेंडेजेस, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आर्थ्रोपोडा का, ठीक है। एंड चिटिनियस एक्सोस्केलेटन, उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो भी चिटिन का बना होता है। तो ये इसमें से नाउ फर्स्ट ए और बी में से सबसे ज्यादा पास कौन है आंसर के? पैरापोडिया। पैरापोडिया बिल्कुल ही इनकरेक्ट है क्योंकि एनालिडा में ही देखा जाता है, ठीक है, करेक्ट इज पैरापोडिया। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लैक्स द सेल वॉल। इन चारों में से किसके पास सेल वॉल नहीं होती? तो मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारे सिलेनिट्रेट में गॉर्गोनिया है, सी फैन, इनके पास सेल वॉल नहीं होती, दे कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल। इसके अलावा द साइनोबैक्टीरिया, सेक्रोमाइसिस और जो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी है, दे हैव सेल वॉल, सी फैन के पास सेल वॉल नहीं होती। सो यहाँ तक ये कुछ क्वेश्चन हो गए, दो तीन क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं एंड फिर इस सेशन को खत्म कर देंगे। Now question number 9 is, a marine cartilaginous fish that can produce electric current. तो एक मरीन कार्टिलेजनस फिश बतानी है जो कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है। ऑप्शन देखते हैं हमारे पास, ये क्वेश्चन है 2014 का, राइट, नीट 2014 में आ रखा है ये क्वेश्चन। रिस्टस, टॉर्पेडो, ट्राइगन्स, कॉलिडोन, ठीक है। जो हमारे रिस्टस होती है इसको सॉफिश कहा जाता है, टॉर्पेडो जो है वो इलेक्ट्रिक रे है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है, ट्राइगन स्टिंग रे है, इसके पास पॉइजनस स्टिंग होते हैं, राइट, एंड कॉलिडोन, ठीक है, डॉग फिश इसको कहा जाता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, इलेक्ट्रिक रे इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, जो की इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है, टॉर्पेडो, इलेक्ट्रिक रे, लेट मी यूज ब्लैक कलर, ठीक है, क्लियर नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो टॉर्पेडो है वो है। नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड। हमें मिसमैच पेयर बताना है यहाँ पे, नीट 2007 का क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। सबसे पहले
मिसमैच पेयर देखते हैं, ठीक है, सबसे पहले मैच्ड पेयर देखते हैं. ओके, तो चलो मैच्ड पेयर में से इन चारों में से सबसे पहले आप कैसे फाइंड आउट करोगे, जैसे कि एपिसेंटिका, ठीक है, हनी भी तो हनी बनाती है, राइट. लाख आ रहा है इसमें, केनिया लाका, लाख. ये है बॉम्बे स्मूरी, सिल्क वॉर्म, सिल्क बनाता है, ठीक है. आप पाइला ग्लोबोसा, पाइला क्या है, एप्पल स्नेल. पर्ल बनाते हैं, नहीं, पर्ल कौन बनाता है, पिंक टेडा बनाता है. पिंक टेडा को पर्ल ऑयस्टर कहा जाता है. तो हमारा जो पाइला ग्लोबोसा है वो पर्ल नहीं बनाता, तो ये एक मिसमैच है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल कंप्राइज जॉलेस फिशेस. जॉलेस फिशेस के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, अभी डिस्कस हुआ है क्वेश्चन में. साइक्लोस्टोम्स विदाउट जॉज, दे डू नॉट हैव स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, राइट. तो जो साइक्लोस्टोम्स है इनके एग्जाम्पल्स में क्या है, पेट्रोमाइजोन, लेम्प्रे, मिग्रीन, हैगफिशेस, राइट. सो करेक्ट ऑप्शन है लेम्प्रे एंड हैगफिशेस. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नहीं 2009 का क्वेश्चन है, ये भी 2009 का क्वेश्चन है, ठीक है. तो भाई ट्रिप्लोब्लास्टिक और बायलेटरली सिमेट्रिकल इन चारों में से, सिलेनेट्रेस क्या ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, नहीं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होते, डिप्लोब्लास्टिक है हमारे, ठीक है. इसके बाद एसके हेलमिंथस, जी हाँ ये बायलेटरली सिमेट्रिकल भी होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं, ठीक है. टीनोफोर्स अगेन यहाँ पे नहीं है, स्पॉन्जेस एसिमेट्रिकल होते हैं. तो द करेक्ट ऑप्शन इज एसके हेलमिंथस, ऑप्शन नंबर बी. तो काफी सारे क्वेश्चन आज हमने डिस्कस करे, मैं आपको यही कह रही थी कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे ही टॉप क्वेश्चन बताऊंगी जो कि बहुत बार रिपीट होते हैं, और यही वो क्वेश्चन थे जो कि आपको याद रखने हैं. आप भी मुझे चैप्टर्स बता दीजिएगा अगर आपके दिमाग में, या फिर आपको कोई नीट के क्वेश्चन चाहिए तो हम वो डिस्कस कर लेंगे जिनके टॉप क्वेश्चन आपको चाहिए. इसके अलावा मैं भी आपसे अलग अलग चैप्टर्स डिस्कस करती रहूंगी. तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, और नेक्स्ट सेशन में. चलिए, बाय बाय, थैंक यू.